एक दिन की बात है, पृथ्वी पे हाहाकार मचा हुआ, सब अच्छे बंदे परेशान थे। राक्षसों का राज चल रहा था, इकट्ठा होके सब महादेव के पास आए और महादेव जी को प्रार्थना करते हुए बोलने लगे, हे महादेव, हमें कोई ऐसा चाहिए जो ये पापियों का नाश करे। महादेव जी ने बताया, मैं तो मानव ही नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लोगों ने बताया कि आप आपका पुत्र अर्जित कीजिए। महादेव जी ने कहा, किसी के पास इतनी शक्ति है जो मेरा गर्भ धारण कर सके? लोग विनती करते रहे, महादेव ने रास्ता निकाला। उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में से यज्ञ कन्याओं को पैदा किया जो उनका गर्भ धारण कर सके। महादेव जी के दिए आशीर्वाद से यज्ञ कन्याओं ने 2 महीने तक गर्भ धारण किया। फिर वो गर्भ में इतनी शक्ति थी कि वो धारण नहीं कर पाई और उन्होंने उसे नीचे रख दिया। तब आगे 4 कृतिकाएं आई। ये कृतिका ने वो गर्भ को और 3 महीनों तक धारण किया और पाला पोसा, लेकिन उसका तेजोन्मय प्रकाश और शक्ति और उष्मा इतनी थी कि वो भी इससे ज्यादा उसे ग्रहण नहीं कर पाई और उन्होंने भी ये गर्भ को बाहर रख दिया। पार्वती जी ने ये देखा, पार्वती जी ने वो गर्भ को 7 अलग अलग तरीके से, ये गर्भ पड़े हुए थे और हर एक गर्भ कि अपनी एक शक्ति थी, पार्वती जी ने वो 7ों को इकट्ठा करके पर्ण में रखा और पर्ण में रखकर उन्होंने उसको संचित किया और वो संचित करने के बाद एक रूप दिया जिसे हम लोग कार्तिकेय के नाम से जानते। एक अगाध शक्ति का प्रवाह, एक शक्तिशाली पुरुष जिसे हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। एक कथा प्रचलित है कि कोई एक व्यापारी दक्षिण की ओर से आम लेकर कैलाश तक चला। कैलाश पहुंचते पहुंचते सब आम बिगड़ गए, एक आम ही बचा। 2 बच्चे छोटे थे, एक गणपति जी और एक कार्तिकेय। अब दोनों को आम चाहिए। तो महादेव और पार्वती जी ने सोचा कि चलो एक प्रतियोगिता रख। सामान्य बच्चों की तो दौड़ की प्रतियोगिता होती है, ये दौड़ की प्रतियोगिता हो नहीं सकती। तो हम सबको पता है कि उन्होंने ये प्रतियोगिता रखी कि जो ये पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर प्रथम आएगा उसे ये आम मिलेगा। कार्तिकेय अपनी पूर्वाध जड़ के साथ निकले और गणपति जी जो विचक्षण बुद्धि के थे, उन्होंने शंकर और पार्वती के चक्कर लगाना शुरू किया। शंकर जी ने बोला, ये तू क्या कर रहा है? गणपति जी ने बताया, मेरे लिए तो आप ही पृथ्वी है। आखिर में ये विचक्षणता को मानते हुए महादेव और पार्वती ने उनको आम दे दिया। हमने इतनी बातें सुनी है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये हमने नहीं सुना। कार्तिकेय चक्कर लगाकर वापिस आए और वापिस जैसे ही वो आए, वो वापिस आते ही उन्होंने देखा कि आम तो गणपति जी ने खा लिया है। उन्होंने बोला, ओ मां, ये आपने क्या किया? मैं तो चक्कर लगाकर आया था और मैं प्रथम था। महादेव ने कारण बताया
और कार्तिकेय क्रोधित हुए, उन्होंने बोला यह अन्याय है और वो दक्षिण की ओर चल पड़े। दक्षिण में जितने भी राजा अन्याय करते थे वो सबका वो ध्वंस करते चलते गए, क्रोध में चलते गए, जहां पे अन्याय दिखता वहां पर वो सबका ध्वंस और नाश करते जाते। उनका क्रोध इतना था जो शमित हो नहीं रहा था। कश्यप मुनि ने उनको समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझे। सबका नाश करते 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 वो 21 साल के हो गए और उन्हें अचानक पता चला कि ये जो मैं कर रहा हूं वो शायद गलत है। मैं अज्ञानियों का नाश कर सकता हूं लेकिन ये तरीका नहीं है। और वो चलते 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 सेवेंथ हिल, सात पर्वतमाला पर पहुंचे। वहां पर नदी थी, वहां पर उन्होंने अपने खड़क को धोया और साफ किया और वो पर्वत की चोटी पर चले गए और चोटी पर जाके अपने सातों सात चक्र से अपने प्राण को अर्पित कर दिया। अभी भी वो सेवेंथ हिल पर ऊष्मा और ऊर्जा आप देखोगे, वहां पर आप किसी भी जगह पर कोई पत्थर को देखोगे तो वो क्षणमुखी पत्थर है, माने सप्त मुखी पत्थर आपको दिखेंगे। कार्तिकेय की अनुभूति आपको दिखेगी। ये एक यात्रा है क्रोध से समाधि तक की, शिवपुत्र कार्तिकेय की। अगले चरण में और एक वार्ता के साथ, स्टोरी के साथ फिर से मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आपके दोस्त, आपके होस्ट भाविक स्वाध्याय को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।